बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास लेक्चर है वो मैं आपको कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इस लेक्चर में बताऊंगी कि आपके पास क्या होते हैं। हम सबसे पहले जब डिस्कस करते हैं तो एडवांटेज को डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम डिसएडवांटेज डिस्कस कर देते हैं। हम कहते हैं डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ले आउट। स्टूडेंट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत इजी होता है, इजीली हम इसका रिज़ल्ट जो है फाइंड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी इसको इजीली कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं इट हैज़ अ सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करते हैं, क्यों स्टूडेंट? हम सिर्फ ट्रीटमेंट फाइंड कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट का स्क्वायर ले रहे होते हैं, करेक्शन फैक्टर फाइंड करके हम ट्रीटमेंट और एरर की वैल्यूज़ फाइंड करके टेबल में पुट करके आंसर ले लेते हैं, जो कि आपने इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किए हैं। अब स्टूडेंट, ये इसका एडवांटेज है कि सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वेरी सिंपल होता है, और कंक्लूड करोगे तो बहुत जल्दी आप आसानी से समझ के इसका रिज़ल्ट जो है वो फाइंड कर सकते हो। फिर हमारे पास होता है थर्ड पॉइंट जो है कि इट प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, ये हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि जो एरर सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाता है ESS, जो कि एरर सम ऑफ स्क्वायर होता है, उसके लिए ये हमारे पास क्या कर रहा होता है कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। अब मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जब भी आपका पास एन इंक्रीज कर रहा होता है, एरर आपके पास क्या कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो वो जो आपके पास आंसर आ रहा होता है वो ज़्यादा आपको एक्यूरेट लग रहा होता है। फिर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हम एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस गिवन नहीं होती हैं, बहुत इजी और सिंपल डिज़ाइन होते हैं, उसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट्स ऐड कर सकते हो और रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कि द डिज़ाइन इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास ये ओनली यूज़ होता है जब आप स्मॉल नंबर स्मॉल एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे होते हैं, एज लाइक लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका डिसएडवांटेज हमारे पास आ जाता है कि द डिज़ाइन इज़ एप्लीकेबल के वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर नंबर स्मॉल ना हो तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसी तरह हम कहते हैं देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग द होल ऑफ द वेरिएशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन टू द एक्सपेरिमेंटल एरर्स एज रेंडमाइजेशन इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड इन एनी डायरेक्शन। अब इसके सेकंड क्या है, हमने कहा था कि इस पर हम कोई भी ख़ास रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो वो उसका क्या हमें नुकसान होता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के दरमियान वेरिएशंस आ सकती हैं। तो हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स जो हैं वो आने के चांसेस हमारे पास हो सकते हैं, कि एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो जो एरर आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CRB डिज़ाइन थे, जो कि हमने डिस्कस किए हैं और बहुत ही सिंपल है। इसमें सिंपली आपने याद रखना है एडवांटेज में कि सिंपल मेथड है, इजी टू लेआउट है, और हमारे पास सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा होता है, और एरर्स सम ऑफ स्क्वायर के लिए वो क्या फ़ायदा होता है कि जब आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिल रही होती है तो आपको जो एरर है वो कम से कम हो जाता है, और फ्लेक्सिबल है, हमारे पास एनी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन जो है वो एप्लीकेबल, ये डिसएडवांटेज में आ सकते हैं कि डिज़ाइन वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट वेरी स्मॉल होते हैं, और अगर लार्ज होंगे तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कहते हैं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट्स मीन कि हमारे पास फिर इंटरिंग द होल ऑफ द वेरिएशंस आने के जो हैं वो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब अगर एरर आ जाता है, अगर हमें ट्रू आंसर ही नहीं मिला, तो ये हमारे पास एक क्या होता है, ड्रॉबैक होता है, इसका डिसएडवांटेज है। आई होप स्टूडेंट आपको CR के कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी इनमें किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।